न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर क्या गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। पूरी सहमति बनी, 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पर दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुजरिम है क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी गिरफ्तारी हो जाएगी जब से भोग होगा इनका उससे पहले पहले गिरफ्तारी हो जाएगी। खबर आपके गांव की, खबर आपकी गलियों की, खबर आपके मोहल्ले की, खबर आपके शहर की, खबर आपके आसपास की, खबर आपके सरोकार की, आपके जिले की हर खबर को लेकर हम हैं वोकल। देखते रहिए अपने मोबाइल पर न्यूज़ 18 लोकल।